हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं एक और वीडियो TVS अपाचे RTR 310 की। इस बाइक को कल भारत में लॉन्च किया गया है। 2,42,000 की कीमत के अंदर ये बाइक आई है और काफ़ी सारे बिल टू ऑर्डर ऑप्शंस के साथ में आई है। आप काफ़ी कुछ कस्टमाइज करवा सकते हैं, फैक्ट्री से ही बन के आएंगी वो चीज़ें। और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आप लगवा सकते हैं, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कलर्स की, जो आपको मिलने वाले हैं TVS अपाचे RTR 310 के अंदर। तो यहाँ पे आपको तीन कलर्स मिलने वाले हैं। ये जो बाइक खड़ी है मेरे सामने, ये इसकी ब्लैक कलर के अंदर, तो ब्लैक कलर में ब्लैक काफ़ी कम यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको जो डार्क सिल्वर कलर है वो ज़्यादा दिखाई देने वाला है, जैसे फ्यूल टैंक के ऊपर। तो ये जो फ्यूल टैंक है इसका डार्क सिल्वर कलर के अंदर है और यही सेम कलर का कॉन्ट्रास्ट आपको सीट के अंदर भी दिखेगा इस पर्टिकुलर पार्ट पर। यहाँ पे आपको हीटेड और कूलिंग सीट मिल जाती है, क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में ये सीट आई है। एक ये पैनल है जो आपको फील भी होगी, इसके अंदर कोई प्लेट लगाई गई जो ठंडी और गर्म होती है। साइड से आपको ये कलर ऐसा दिखाई देने वाला है। इसमें रियर जो व्हील है वो रेड कलर के अंदर, फ्रंट ब्लैक के अंदर। फ्रंट में रेड कलर की एक यहाँ पर स्ट्रिप है और गोल्डन कलर के आपको यहाँ पर फोक्स नज़र आने वाले हैं। अपाचे की जो बेजिंग की गई है वो रेड कलर के अंदर की गई है। RTR के नीचे 310 लिखा है वो रेड कलर के अंदर है। यहाँ पे एक एलिमेंट है रेड कलर का और रियर सस्पेंशन भी रेड है। इंजन के ऊपर जो काउल लगा है ये रेड कलर का लगा है, हालांकि फ्रेम इसके अंदर वाइट कलर का आपको मिलने वाला है। एग्जॉस्ट टिप की बात करें तो ये कलर थोड़ा सा अलग है, ये कलर अलग है। यहाँ पर आपको मैट सिल्वर कलर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर आपको दिखाई देने वाला है। जो ग्रैब रेल्स हैं उसके ऊपर मैट ब्लैक कलर है। टेल लाइट कुछ ऐसी दिखाई देती है इसके अंदर। दूसरे साइड से बात करें तो दूसरे साइड आपको यहाँ पे, पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको प्योर ब्लैक और गोल्डन कलर ही दिखाई देने वाला है, यहाँ पे रेड कलर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। डुकाटी का एक मॉडल आता है यार, वैसी वैसी लुक है इस मोटरसाइकिल की। ये आप देखिए कितना बड़ा सेटअप किया गया है इंजन कूलिंग के लिए। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बेजिंग, पीछे की जो चेन है उसका कलर कुछ आपको ऐसा गोल्डन सा दिखाई देने वाला है और ये सेटअप भी काफ़ी बेहतरीन है। साइटन इंडिकेटर्स में इसमें ऊपर ना लगाकर नीचे इसके ऊपर लगाए गए हैं और ये वाइट और रेड कलर के यहाँ पे सस्पेंशन हैं। लॉक यहाँ पे लगाया गया है। TVS रेसिंग की बेजिंग आपको सीट के ऊपर भी मिलने वाली है। बात करें दूसरे कलर की तो दूसरा कलर है ये येलो। अब साइड बाय साइड आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर है, ये येलो कलर है। येलो कलर के अंदर फ्यूल टैंक के ऊपर येलो, नीचे जो काउल है उसके ऊपर येलो, फ्रंट मडगार्ड येलो कलर का है, हेडलाइट में येलो कलर है और पीछे जो डिस्क जो अपना अलॉय व्हील है वो येलो कलर का है। इसके अंदर भी रेड एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे कि रियर सस्पेंशन है, इंजन के ऊपर जो कवर है ये रेड कलर के अंदर है। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ कैसी दिखेगी बाइक। तो फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है येलो और ब्लैक के कंपैरिजन में। आप देखिएगा यहाँ पे जो सस्पेंशन है ना वो येलो कलर के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं। इस एंगल से आप देखिए, थोड़ा दूर से मैं आपको दोनों बाइक्स दिखाऊँ एक फ्रेम के अंदर, तो ब्लैक और येलो आपको कुछ ऐसी नज़र आने वाली है। मतलब काफ़ी भरी भरी बाइक है, मतलब कहीं भी आपको वो दिखेगा नहीं कि खाली डिज़ाइन सा है, काफ़ी बिजी से रखा गया है इसका साइड डिज़ाइन। और जो तीसरा कलर है वो है इसके अंदर ब्लू। अब ये रेसिंग जो कलर है TVS की बाइक्स के अंदर आता है, रेसिंग बाइक्स के अंदर आता है, चाहे हम उनकी बात करें डकार रैली में जो पार्टिसिपेशन किया था उसमें भी यही कलर राइवलरी रखी गई थी, वही आपको यहाँ पे मिलने वाली। इसका आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा आई गेस। इसमें फ़र्क क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ देखेंगे टैंक पे वाइट कलर है और ब्लू कलर है, वहीं पर इन दोनों कलर्स के अंदर सेम टैंक है, टैंक में कोई भी कलर में चेंज नहीं किया गया और ये पूरा का पूरा मेटालिक रखा गया है टैंक। ये मेटालिक फिनिश के अंदर है, वाइट कलर के ऊपर ये रेसिंग ब्लू कलर की स्ट्राइप्स लगाई गई हैं। साइड के अंदर TVS रेसिंग का ये जो बेजिंग वगैरह किया गया है ये भी काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ पे TVS रेसिंग लिखा हुआ है और इन बाइक्स के अंदर अपाचे लिखा हुआ है, तो ये एक डिफरेंस आपको साइड में नज़र आएगा। नीचे भी यहाँ पे अपाचे और RTR 310 की बेजिंग नज़र आने वाली है, वहीं पर इन बाइक्स के अंदर दोनों कलर्स के अंदर सिर्फ RTR 310 की बेजिंग थी। बाकी फ्रेम इसके अंदर भी वाइट कलर का है, सस्पेंशन इसमें पीछे रेड कलर का है, इंजन की जो ऊपर वाली केसिंग है वो रेड कलर की है,
इसमें भी आपको पीछे वाला जो व्हील है वो रेड कलर के अंदर, फ्रंट वाला ब्लैक कलर के अंदर है, और फ्रंट जो इसका मडगार्ड है उसके ऊपर भी रेड इंसर्ट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे फ्रंट लुक आपको ब्लू कलर की ऐसी मिलने वाली है। इसके अंदर भी आपको जो फ्रंट सस्पेंशन है वो गोल्डन कलर के, और सीट इसके अंदर भी आपको सेम वैसी दिखाई देने वाली है, ये ब्लैक कलर की है। इसके ऊपर यहाँ पर ये कलर अलग दिखाई देने वाला है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर यहाँ पे क्लाइमेट का जो फीचर है वो ऐड नहीं किया गया है, वो बिल्ट टू ऑर्डर है। आप अपने हिसाब से अगर ऐड करवाएंगे तो वो फीचर्स आपकी बाइक में फैक्ट्री से ही बन के आने वाले हैं। यहाँ से बात करें तो यहाँ से कलर आपको ऐसा दिखाई देता है ब्लू का, ये इस तरीके से है। और दूसरे साइड से अगर हम देखें इस बाइक को तो दूसरे साइड से कलर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, येलो कलर की बात करें येलो कलर ऐसा दिखाई देता है साइड से, और ब्लैक कलर ऐसा दिखाई देता है। तो कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा लगा फ्रंट की बात करें? तो ये तीन कलर्स थे इस मोटरसाइकिल के अंदर। आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा, ब्लू लगा या ये येलो कलर लगा या फिर ये ब्लैक कलर लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाइक कैसी लगी, प्राइसिंग कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। इस मोटरसाइकिल की काफ़ी सारी वीडियोस देखने वाले हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।